जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सारे खैरियत से हैं। अच्छा, अभी खबर आ रही है कि 2 साल और 3 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाने की बात हो रही है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत बनाएगी जिसमें पहले 3 साल के लिए PMLN का वज़ीर आज़म होगा और बाकी के 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। जस्ट बिकॉज दोनों की जो गवर्नमेंट बनाने का जो फार्मूला है वो उनसे तय नहीं हो पा रहा, पीपल्स पार्टी के अंदर उनकी कैंप में ये सोच पाई जा रही है कि शायद अगर वो किस तरह करके आज़ाद उम्मीदवारान को, जिनमें बहुत सारों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको अपने साथ मिलाएं, तो वो जाहिर सी बात है अपने नंबर्स अगर PMLN को सरपास करते हैं तो फिर वो अपना वज़ीर आज़म इन द फॉर्म ऑफ बिलावल भुट्टो लेकर आ सकते हैं, और जाहिर सी बात है सदर जरदारी तो उन्होंने पहले ही रखा हुआ है अपने पास, यानी अपने लिए अहदा तो वैसे उन्होंने जरदारी साहब को वो सदर बनाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों के दरमियान और PMLN के कैंप में ये गेम चल रही है कि वो अपना वज़ीर आज़म लेकर आएँ। तो इसलिए ये जो इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, जो इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, इस मामले में अब शायद ये फैसला किया जाएगा कि 2 साल और 3 साल के लिए वज़ीर आज़म बारी बारी लाकर लाया जाए। और दूसरी तरफ एक जो बहुत बड़ी अपडेट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लिए एक शर्म का मकाम भी है और उनसे सीखने के लिए भी बहुत सारा कुछ उनके लिए है, और वो ये है कि हाफिज़ नईम और रहमान जो कि कराची से जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं, उनके कराची के सदर भी हैं, और उन्होंने PPA का जो सिंध असम्बली का जो इलेक्शन था वो लड़ा था और वो उन्होंने जीता। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो ये इलेक्शन हारे थे और इस इलेक्शन के हारने की वजह से वो कह रहे हैं कि अब मैं ये जो सीट है वो छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर जो PTI के कैंडिडेट थे उनको 31,000 वोट पड़े थे जिनको दिखाया गया 11,000, MQM को 6,000 वोट पड़े थे वहाँ पर जिनको 20,000 दिखाया गया, और ये जो सीट है वो हाफिज़ नईम रहमान यानी जमात इस्लामी को दे रही है। तो वो कहते हैं कि मैं ये सीट नहीं ले रहा और मैं इस सीट को छोड़ने का ऐलान करता हूँ, और ये जो सीट है ये जो जीता हुआ है यानी कि PTI के कैंडिडेट उनको मिलनी चाहिए, उन्होंने अपनी सीट को छोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब है और थे, पता नहीं अब किस स्टेटस पे हैं, दूसरी तरफ वो PCB के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये आज खबर दी है, उनकी तरफ से ये खबर आ रही है कि 9 मई की तरह का एक और वाकया कुछ लोग कुछ दिनों से प्लान कर रहे थे और उनके पास पक्की खबर थी, यानी कल जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेजेस से और उनके कैंप से खबरें आ रही थी कि उनके खिलाफ़ क्रैकडाउन होने का और उनके खिलाफ़ एक और नई साजिश करने का प्लान किया जा रहा है, यानी बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जिन पर तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए गए थे और वो लोग तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी नहीं रखते थे, वो वाला जो वाकया है अब वो सही होता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद वाकई पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया था कि वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 9 मई टाइप का एक और वाकया क्रिएट करके तो उनके ख़िलाफ़ दोबारा से क्रैक डाउन करें। इस बात की भी आज जो सदाकत है या जो वेरिफिकेशन है वो हो गई है। अब तक के लिए इतनी अपडेट्स हैं। अल्लाह हाफिज़। नासिर, जज़ाकअल्लाह।